हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं माइक्रोमैक्स क्यूब 4001 मोबाइल को किस तरह से हम फ्लैशिंग कर सकते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, माइक्रोमैक्स की एंड्रॉइड से चलने वाले किसी भी मोबाइल को हम किस तरह से फ्लैशिंग कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं माइक्रोमैक्स मोबाइल को फ्लैशिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों माइक्रोमैक्स के अलावा और भी बहुत सारे मोबाइल जैसे कि लेनोवो, कॉलर, स्पाइस, रेडमी, जियोनी, इस तरह की और बहुत सारी मोबाइल जो चाइना बेस्ड मोबाइल है उसको भी इसी तरह से फ्लैशिंग किया जा सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस तरह की मोबाइल को भी फ्लैशिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्रोनिक्स चैनल। तो दोस्तों, माइक्रोमैक्स क्यूब 4001 मॉडल की मोबाइल को फ्लैशिंग करने के लिए हमें 3 फाइलें डाउनलोड करना जरूरी होता है, जिसको फ्लैश फाइल या फर्मवेयर फाइल बोला जाता है, और दूसरी फाइल को फ्लैश टूल बोला जाता है, और जो तीसरी फाइल होती है उसे हम यूएसबी ड्राइवर कहते हैं। तो ये 3 फाइलें हमें जरूरी होती है, और 3 फाइल डाउनलोड करने के बाद उस तीनों फाइल को यूज करके हम माइक्रोमैक्स क्यूब 4001 की फ्लैशिंग प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में जाके आप माइक्रोमैक्स क्यू 4001 फर्मवेयर इस तरह से लिख देना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जाना है। नीचे आपको यहाँ पे बहुत सारे डाउनलोड फर्मवेयर, डाउनलोड फ्लैश फाइल, डाउनलोड रोम, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये सभी एडवर्टाइजमेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे एड बाय गूगल, तो ये इसमें से किसी पे क्लिक नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो जो माइक्रोमैक्स क्यू 4001 का जो स्टॉक फर्मवेयर है, या इसको फ्लैश फाइल भी बोला जाता है, तो उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। फाइल का नेम है यहाँ पे, मतलब जो भी फाइल आप डाउनलोड करेंगे वो जीप फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे जीप लिखा हुआ है। उसके बाद जो फाइल का साइज है 1 GB का है, और इसमें जो एंड्रॉयड है वो 6.0 वर्जन का एंड्रॉयड है, यानी कि एंड्रॉयड मार्शमेलो इस मोबाइल में यूज हुआ है। बहुत सारे ऊपर में भी डाउनलोड इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से किसी में आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे जो डिफरेंट कलर में आप डाउनलोड देख रहे हो वहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि ये सभी एडवर्टीजमेंट है और ये इसका ओरिजिनल डाउनलोड लिंक है। तो आप चाहो तो ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या नीचे भी एक दूसरा लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको डाउनलोड में क्लिक करें और उसको डाउनलोड कर ले। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक दूसरा पेज ओपन हो चुका है, तो आप देख सकते हो इस तरह से एक अलग सा पेज यहाँ पे आ चुका है। तो आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दूसरे डाउनलोड पर कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, सभी एडवर्टीजमेंट है। आप देख सकते हो ओपेरा का एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे, ये दूसरा आईसी मार्केट का एडवर्टीजमेंट है, और यहाँ पे भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है। तो इसमें से किसी में भी आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है ये डाउनलोड में जो बड़ा सा डाउनलोड लिखा हुआ है उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका मीडिया फायर इस तरह से डाउनलोड का एक साइट है, वहाँ वो ओपन हो चुका है। उसमें आप एक डाउनलोड 1.26 GB यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करना है और ये फाइल को डाउनलोड होने देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल डाउनलोड करके आ चुका है, तो लोकल डाउनलोड क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये फाइल आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप डाउनलोड देख सकते हैं, इसका डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो इस डाउनलोड को कंप्लीट होने देते हैं और फिर आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। तो दोस्तों, माइक्रोमैक्स क्यूब 4001 मॉडल का जो फ्लैश फाइल डाउनलोड किए थे वो कम्प्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड का लिंक यहाँ पे है कम्प्लीटेड, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं ओपन फोल्डर, और फिर उस फाइल को यहाँ पे वो फाइल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे बहुत सारे फाइल है, लेकिन इस फाइल ये फाइल हमें जरूरी है, तो इसको मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ। तो चलिए इसको डेस्कटॉप पे हम रख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये फाइल हमारा डेस्कटॉप पे कॉपी हो रहा है, तो कॉपी को कंप्लीट होने देते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप यहाँ पे माइक्रोमैक्स का जो फाइल है कॉपी हो चुका है यहाँ पे, तो इसको हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जीप फॉर्मेट में, इस तरह का फॉर्मेट को जीप फाइल बोला जाता है, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके इस तरह से एक्सट्रैक्ट ऑल करना है, उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसी नाम का दूसरा फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा फोल्डर बन रहा है, तो इसको पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट होने देते हैं, और फिर इसके अंदर जो भी फाइल होगा उसको हम यूज करके माइक्रोमैक्स की जो मोबाइल है उसको फ्लैशिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये 100% कंप्लीट होने वाला है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस 100% कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक एक फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो एक यही फोल्डर है, इसी नाम का दूसरा फोल्डर बन जाता है, जीप फाइल है, और इसी का सेम नाम का है दूसरा फोल्डर जो नॉर्मल फोल्डर बन जाता है। तो इसका जो आप कैपेसिटी है आप देख सकते हो यहाँ पे 2.72 GB,
इसको जब मैंने डाउनलोड किया था तो इसका कैपेसिटी 1.25 GB था, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका जो कैपेसिटी है वो 2.72 GB हो चुका है। तो ये है हमारा फाइल, तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने के बाद एक और फोल्डर है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें जो मोबाइल है माइक्रोमैक्स का Q40, उसको फ्लैशिंग करने के लिए तीन फाइलों का जरूरी है। तो पहली फाइल है फर्मवेयर, दूसरी फाइल है SPD अपग्रेड टूल, और तीसरी फाइल है स्पेक्ट्रम ड्राइवर। तो ये तीन फाइलें हमें जरूरी पड़ती है दोस्तों किसी भी मोबाइल को फ्लैशिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम ड्राइवर, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका कैपेसिटी 32.33.2 MB है। तो ये फाइल क्या करती है, जब आप कंप्यूटर से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हो तो मोबाइल को कंप्यूटर चेक नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, तो उसको पहचान कराने के काम ये स्पेक्ट्रम ड्राइवर करती है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर में इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जो SPD अपग्रेड टूल है, दूसरा टूल का काम पड़ता है। तो दोस्तों इस टूल का काम होता है जो मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हमने डाउनलोड किया है उसको मोबाइल में सेंड करने का काम SPD अपग्रेड टूल करता है। तो दोस्तों इस टूल का यूज करके आप जो फर्मवेयर फाइल होता है, या जिसे फ्लैश फाइल भी कहते हैं, उस फाइल को आप अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये फाइल ओपन करना होगा इस तरह से, इसको डबल क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों इस रिसर्च डाउनलोड में डबल क्लिक करने के बाद रन में क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से एक विंडोज ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको लोड पैकेट में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप में जाना है, क्योंकि जो फाइल है उसको मैंने डेस्कटॉप में रखा हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ। उसके बाद ये फाइल का जो फोल्डर है ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोमैक्स Q4001, और इसको डबल क्लिक करता हूँ। इसको डबल क्लिक करने के बाद इसके अंदर भी एक और फोल्डर है, उसको भी डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो जो पहले हमने फाइल देखी थी वो सभी फाइल यहाँ पे है। तो अब कहाँ जाना है, फर्मवेयर में जाना है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको हमने ओपन किया है जो ये है रिसर्च डाउनलोड, और उसके बाद हमें ये जो फर्मवेयर है जिसके अंदर मोबाइल की जो फाइल होती है, जिसे फ्लैश फाइल या फॉर्मवेयर फाइल बोला जाता है, वो फाइल होती है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वो मोबाइल का जो फाइल है जिसे हमें मोबाइल के अंदर सेंड करना है, वो फाइल यहाँ पे है। तो इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये फाइल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फाइल अपलोड हो रहा है यहाँ पे इस तरह से। ये फाइल अभी अपलोड हो रहा है, इसमें थोड़ी टाइम लगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और उस वीडियो को देखकर आप लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं रिप्रोनिक्स चैनल, और मैं हूँ आपके साथ साहिल। तो दोस्तों जो फर्मवेयर फाइल है वो लोड हो रहा है, फर्मवेयर का फाइल का साइज बहुत बड़ा है, लगभग 2 GB के करीब है, इसीलिए इसको अपलोड होने में थोड़ी टाइम लग रही है। तो इसको हम लोड होने देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल को फ्लैश करने के लिए सबसे जो मेन प्रोसेस होता है वो फाइल को डाउनलोड करना होता है। अगर आपको फाइल को डाउनलोड करना आ गया तो आगे की प्रोसेस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो आप जब भी डाउनलोड करें जेन्युइन फाइल को डाउनलोड करें, और कभी भी फ्लैशिंग करने से पहले प्रोसेस को एक बार अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि फ्लैशिंग करते वक्त अगर आपने गलत फाइल मोबाइल में सेंड कर दिया तो आपका मोबाइल ब्रिक हो जाएगा, ब्रिक यानी कि मोबाइल सॉफ्टवेयर डेड हो जाएगा। अब तो दोस्तों मोबाइल का जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है MMX4001SW, इस तरह से सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो लिखा हुआ आ चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये डाउनलोड ऑप्शन, इसको स्टार्ट डाउनलोड बोलते हैं। तो अगर कोई सेटिंग आप चेंज करना चाहो तो इस तरह से सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा सेटिंग है, फाइल से जुड़ी सारी सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। तो सेटिंग को आपको चेंज करना उतना जरूरी नहीं है, इसको आप कुछ नहीं करें, बस यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर दे, यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड में क्लिक कर देना है। और डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। तो मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने से पहले मोबाइल के अंदर की जो बैटरी होती है उसको निकाल देना है, और फिर मोबाइल को USB केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देने के बाद उसमें फिर बैटरी डालना है, और बैटरी डालने के बाद आप वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस कर सकते हो, और उसके बाद जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और मोबाइल को इसी तरह से छोड़ देना है जब तक आपका मोबाइल का फ्लैशिंग प्रोसेस पूरी कम्प्लीट ना हो जाए। दोस्तों इस तरह से आप माइक्रोमैक्स Q4001 मॉडल की मोबाइल की फ्लैशिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं अगले वीडियो में किसी अगले मोबाइल को फ्लैशिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई वो एक तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई वो एक यूजर के रिक्वेस्ट पर बनाई थी। एक यूजर को प्रॉब्लम था, अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालना था जिसका मॉडल माइक्रोमैक्स Q4001 था। तो इसीलिए यूजर ने मुझसे पूछा था कि इस मोबाइल को किस तरह से फ्लैशिंग किया जा सकता है, तो इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को दिखाया है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह से कोई मोबाइल है और जिसको
हैशिंग करने में अगर परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करके आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।